महाभारत के कथन धर्मो धारिते के अनुसार समस्त सृष्टि को धारण करने वाला धर्म ही है। यहाँ धर्म का तात्पर्य कोई मत विशेष नहीं, अपितु वह शाश्वत सत्य है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रहा है, धर्म कहलाता है। वैशेषिक दर्शन का कथन है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सा धर्मः, अर्थात जिससे प्रजा का कल्याण हो और अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। इसी प्रकार मीमांसा दर्शन का कथन है 14 लक्षणों अर्थो धर्मः, जो वेदोक्त अर्थात सत्य कथन है वह धर्म है और इसके विपरीत कथन अधर्म है। फारसी में हिंदी के सा का उच्चारण हा के रूप में होता है। इस प्रकार जब मुगल आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी को हिंदू के रूप में देखा और उसके उस पार रहने वाले सभी को हिंदू तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा, तभी से वैदिक धर्म को हिंदू धर्म कहा जाने लगा। अन्यथा अब से 1000 वर्ष पूर्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू धर्म या हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु सर्वत्र वैदिक धर्म का ही उल्लेख मिलता है। धर्म एक वृक्ष है और संप्रदाय उसकी शाखाएं हैं। संप्रदाय का तात्पर्य है परंपरा रूप से चली हुई ज्ञान की धारा जो संप्रदाय का रूप ले लेती है। संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित होता है, जबकि धर्म शाश्वत है और अनादि है। सृष्टि के लय होने के बाद भी धर्म का अस्तित्व रहता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है और सत्य ही धर्म है। जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, इस्लाम, सनातनी पौराणिक आदि मत मतांतर ही है। इन्हें धर्म रूपी वृक्ष की शाखा तो कहा जा सकता है, किंतु इन्हें प्रत्यक्ष शाश्वत अनादि धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश काल की परिस्थितियों के कारण इनमें ऐसे सिद्धांतों का प्रवेश हो गया है जिसके कारण इन्हें सार्वकालिक तथा सर्वग्राह्य नहीं माना जा सकता है। तारतमवाणी का कथन है त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, अर्थात हमारा धर्म हिंदू धर्म है और संप्रदाय निजानंद। बीतक साहिब में वर्णित पद्धति में भी श्री देव चंद्र जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय ए कहकर वर्णित किया गया है। संपूर्ण तारतम वाणी तथा 8 बीतकों में भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को सृष्टि के प्रारंभ से चलने वाला कहना हास्यास्पद है। बिना शब्द प्रमाण के किसी भी तथ्य को समाज पर थोपना अनुचित है। इतना अवश्य है कि तारतम वाणी के मूल सिद्धांत बीज रूप से सभी धर्म ग्रंथों में हैं और वे सर्वग्राह्य तथा सार्वकालिक हैं, किंतु बिना शब्द प्रमाण के हिंदू धर्म के समानांतर एक दूसरा कृष्ण प्रणामी धर्म खड़ा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और यह कार्य सांप्रदायिक कट्टरता का परिचायक है। वर्तमान समय में स्वयं को श्री कृष्ण प्रणामी या राधा कृष्ण प्रणामी कहलाने तथा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का अनुयायी कहलाने की होड़ मची हुई है, किंतु कोई भी यह ध्यान नहीं देता कि धरान के शास्त्रार्थ में महाभारत के शांति पर्व अध्याय 47 श्लोक 92 के जिस श्लोक एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा वभृथेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय का उदाहरण दिया गया था, वह प्रसंग उस समय का है जब बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने अपने पास
पांडवों सहित आए योगेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति में यह श्लोक कहा, जिसका अभिप्राय इस प्रकार है। एक बार भी इस नारायण रूप योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेना 10 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का तो पुनर्जन्म होता है, किंतु विष्णु स्वरूप इस श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। यह देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत का पंचम खंड, जिसके शांति पर्व के 47वें अध्याय में यह दृश्य दिखाया जा रहा है, जिसमें भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और पांचों पांडव उनको घेर कर खड़े हैं तथा श्री कृष्ण जी भी वहीं पर खड़े हैं, जिनकी भीष्म पितामह इन्हीं शब्दों में स्तुति कर रहे हैं जो श्लोक पहले आपको बताया गया। आगे भी इसी क्रम में और बताया जाएगा। इस अध्याय के 48वें श्लोक में उन्हें 12 अवतार धारण करने वाला कहा गया है। इस चित्र में आप यह श्लोक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसमें 12 अवतार धारण करने का वर्णन किया गया है। पुनः आगे नृसिंह, राम, परशुराम आदि अवतार धारण करने वाला कहा गया है। इसी प्रकार 110वें श्लोक में उन्हें सारंग, धनुष तथा चक्र धारण करने वाला कहा गया है। इस संपूर्ण अध्याय को ही भीष्मस्तवराज अर्थात भीष्म के द्वारा विष्णु रूप योगेश्वर श्री कृष्ण की गई वंदना कहा गया है। ऐसी स्थिति में इस श्लोक का आधार लेकर हम स्वयं को अक्षरातीत की ब्रह्मांगना कैसे कहला सकते हैं? इस संबंध में पुराण संहिता का कथन है कि बिंदुनाद कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदाहृतम, अर्थात अक्षर ब्रह्म को किसी भी बिंदु, ध्वनि या कला आदि से प्रकट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अक्षरातीत के लिए शरीर परक नाम श्री कृष्ण को थोपना उचित नहीं है। पुराण संहिता का कथन है कि बिंदुनाद कलातीतम ब्रह्मक्षरम उदाहृतम, अर्थात अक्षर ब्रह्म को किसी भी बिंदु, ध्वनि या कला आदि से प्रकट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अक्षरातीत के लिए शरीर परक नाम श्री कृष्ण को थोपना उचित नहीं है। तारतम वाणी का स्पष्ट कथन है, बेहद को शब्द ना पहुँच ही तो क्यों पहुँचे दरबार, लुगा ना पहुँचया रास लों इन पार के भी पार। ऐसी स्थिति में परब्रह्म के लिए कोई शरीर परक नाम प्रयुक्त नहीं हो सकता, अपितु उसका आधार लिया जा सकता है। श्री कृष्ण, श्री देवचंद्र, श्री मिहिरराज आदि सभी शरीर परक नाम हैं। इसके अतिरिक्त श्री प्राणनाथ, श्री राज आदि सभी भाव परक नाम हैं। वेद आदि सभी धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार सैकड़ों नामों की कल्पना की गई है, किंतु सच तो यह है कि परब्रह्म को किसी नाम की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। अक्षरातीत ने व्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक की जो लीला की, उसी आधार पर पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र तथा बृहत सदाशिव संहिता आदि ग्रंथों में अक्षरातीत श्री कृष्ण के नाम का प्रचलन हुआ। श्री राज जी ने श्री देवचंद्र जी को दर्शन देकर अपनी पहचान दी तथा उनके धाम हृदय में विराजमान होकर उनके मुख से एक चौपाई कहलवाई, जिसमें कहा गया कथन प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन का है, ना कि उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन का, जिसमें श्यामा जी कहती हैं कि जो अक्षर ब्रह्म से परे अनादि हैं और अक्षरातीत हैं, उन्होंने व्रज रास में श्री कृष्ण नाम से ब्रह्म लीला की है, वे ही
मेरे धाम हृदय में परम धाम के संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश लेकर प्रकट हुए हैं। तारतम की पहली चौपाई की मात्र ऊपर की पंक्ति को लेकर यह कहना सबको भ्रम में डालना है कि मंत्र केवल 16 अक्षर का ही होना चाहिए। यह कथन तो पद्म पुराण का है, जिसे सबके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। वैदिक परंपरा में दीक्षा मंत्र गायत्री मंत्र है, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। आखिर श्री देवचंद्र जी के तन से एक पंक्ति के रूप में आधी चौपाई ही क्यों उतरी थी? यदि आधी चौपाई ही उतरी होती तो प्रत्येक ग्रंथ के मंगलाचरण में आधी चौपाई ही लिखी जाती, पूरी चौपाई नहीं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पर तौले ना आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत का यह संपूर्ण प्रकरण प्रवाही समाज के संबोधन में है, सुंदर साथ के लिए नहीं। यह सर्वविदित है कि अश्वमेध नरमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान तथा तीर्थों आदि में वास केवल प्रवाही समाज ही करता है, सुंदर साथ नहीं। इनको प्रबोधित करते हुए तारतमवाणी कह रही है कि हे संसार के लोगों, यदि तुम यह सब छोड़कर एक अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा व्रज बिहारी या रास बिहारी को रिझाओगे तो 14 लोकों से परे बेहद मंडल में अखंड सुख का अनुभव करोगे। 14 भवन ते जीत यो धन धन ये कुलवंत का कथन इसी संदर्भ में है। आज आवश्यकता है कि हम सभी सुंदर साथ अपने चिंतन में निष्पक्षता लाएं और स्वयं को सांप्रदायिक पर्दे से बाहर निकालकर तारतम वाणी के अनमोल ज्ञान को सारे संसार के लिए प्रस्तुत करें, स्वयं प्रेम में डूबें तथा दूसरों को भी डुबोएं। यही सबके लिए श्रेष्ठकर है। प्रणाम जी।